हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश का जो अभी तक अप्रैल में सिलेबस कवर हुआ है और किस तरीके से क्लास फर्स्ट में यूकेजी क्लास के बाद स्टार्ट करते हैं वो लेके आई हूँ। अगर आप बच्चे को घर पे भी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो उस तरीके से करवा सकते हैं और आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बढ़ते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं जैसे आपको पहले ही बता दूँ, जैसे ये स्टार्टिंग फेज है तो अप्रैल में, तो देखिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है कि एलकेजी क्लास में हम कैप स्मॉल कर्सिव लेटर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं और यूकेजी क्लास में कैपिटल कर्सिव हम कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि इनकी टीचर ने, यूजुअली यही होता है सारी जगह, क्लास फर्स्ट में एलकेजी का जो स्मॉल कर्सिव लेटर्स थे वो कवर कराए हैं। अगर आपका बच्चा स्मॉल कर्सिव लेटर्स नहीं, सिर्फ स्मॉल लेटर्स जानता है तो आपको पहले कर्सिव करानी पड़ेगी। उसके बाद बच्चे को आपने वैसे ही प्रैक्टिस कराना है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधे एक बार टीचर या क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस होगी स्मॉल कर्सिव लेटर्स की और सीधे आ जाएंगे कैपिटल कर्सिव में, क्योंकि यूकेजी का सिलेबस रिपीट होता है इसलिए हम कैपिटल कर्सिव करवाएंगे। तो ये आप देख सकते हो। तो फॉर्मेशन में अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यूकेजी क्लास में बच्चे ये चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो कभी कभी फॉर्मेशन गलत होता है, कुछ थोड़ा सा रॉन्ग होता है, कुछ मतलब जो भी है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, कहाँ से क्या है, कहाँ से कर्व है, ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। कैपिटल कर्सिव लेटर्स की रिवीजन के साथ साथ आप लेके चलोगे साइट वर्ड्स। जो साइट वर्ड्स हैं फर्स्ट क्लास में वो पहले टू लेटर्स जाएंगे, फिर थ्री लेटर्स जाएंगे और फिर फोर लेटर्स जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे एट, बी ई बी, ए एन एन, डी ओ डू। तो इससे क्या है, बच्चों की राइटिंग में भी प्रैक्टिस होती है और साइट वर्ड्स भी कवर होने लगते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, उसके बाद साथ ही साथ हमारे कैपिटल कर्सिव जो लेटर्स हैं वो चल रहे हैं, तो वो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करानी है। देन टू लेटर वर्ड्स में और क्या कवर होंगे साइट वर्ड्स, जी ओ गो, एच ई ही, आई एस इज, एम ई मी। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं भी बच्चा कुछ भी गलत बना रहा है तो उसको आपको अभी से ही कराना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे, अभी मेक सेंटेंसेस आएंगे, तो चीजें बच्चों के लिए भी फिर डिफिकल्ट होंगी। देन डी ई, रोज टू लेटर्स, फोर लेटर्स करवाइए, ठीक है। टू लेटर्स में और क्या क्या आएगा साइट वर्ड्स, इट, सो, वी, माय। साइट वर्ड्स वो होते हैं जो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, बच्चा अपना सिलेबस आगे कवर करेगा, चैप्टर रीडिंग आएगी, तो उसमें ये वर्ड्स आते रहते हैं जो इजीली बच्चे को दिखेंगे। फिर आप देख सकते हो क्या कवर करवाया गया है, एफ जी एच, फिर एच ई आर हर, ए आर ई आर, टी एच ई द, ठीक है। कैपिटल कर्सिव आई जे के, ये आप देख सकते हैं। ओ यू आर अवर, अगर हम थ्री लेटर्स की बात करें, ओ यू आर अवर, एफ ओ आर फॉर, और एस एच ई शी, ठीक है। एल एम एन, देन फोर लेटर्स के हमारे साइट वर्ड्स आ गए हैं, आप देख सकते हो, वाई ओ यू आर योर, एल ओ वी ई लव, पी एल ए वाई प्ले। अभी आप जैसे यहां भी देखोगे कई जगह, मेरा ही बेटा है ये, तो उसने फोर्थ लाइन टच करी है, कहीं पे नहीं टच करी, तो हम लोगों को ये चीजें ना बहुत सही से देखनी है, ठीक है। देन टेल साइट वर्ड, नाइस, हेल्प, और इसी की आपको डिक्टेशन बोलनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओ पी क्यू आर सिंपली कवर किया है, एस टी, टी में डिफिकल्टी आती है बच्चों को, और क्योंकि सेम यही एफ में भी थोड़ा फॉर्मेशन होता है, इसलिए यू वी। देन लाइक, कुक, वॉच, देन डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है, जेड जी, ये यहां तक कवर हुआ। देन ये देखिए कंप्लीटली फोर लेटर वर्ड्स साइट वर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं, यही डिक्टेशन है, लिव, कम, मीट, हेयर, ठीक है। और फाइनली आपने क्या कराना है, ए टू जेड। ये कंप्लीट कराने के बाद हम बच्चे को डिक्टेशन बोलेंगे, आगे इसमें एक सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अप्रैल में, अभी मिड ऑफ अप्रैल आप बोल सकते हैं, 2022-23 है, तो इतना आप रिवीजन करवा दीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।